शहर के जरूरतमंद छात्रों को नई टेक्नोलॉजी से जुड़ी शिक्षा मिले, इस उद्देश्य से HCL और मासूम फाउंडेशन की ओर से टेक ऑन व्हील्स इस उपक्रम की शुरुआत की गई, जिसका गुरुवार को उद्घाटन किया गया। इस उपक्रम के जरिए विद्यार्थियों में कंप्यूटर स्किल्स बढ़ेंगे, ऐसी जानकारी इस दरमियान दी गई। जैसे जैसे हम आधुनिक भारत की ओर कदम रखते जा रहे हैं, वैसे वैसे डिजिटलाइजेशन की जरूरत पर भी जोर दिया जा रहा है, जिसके चलते न सिर्फ देश को बल्कि हमारे शहर को भी स्किल्ड एम्प्लॉयज की भी जरूरत है, जिसके चलते हमारे पाठ्यक्रम में कंप्यूटर बेस्ड शिक्षा की भी बेहद जरूरत है। इसी जरूरत को समझते हुए साथ ही शहर के जरूरतमंद छात्रों को नई टेक्नोलॉजी से जुड़ी शिक्षा मिले, इस उद्देश्य से HCL और मासूम फाउंडेशन की ओर से टेक ऑन व्हील्स इस उपक्रम की शुरुआत की गई। इस उपक्रम को पुलिस का पूरा सहयोग मिलेगा, ऐसा आश्वासन सहायक पुलिस आयुक्त निलेश पालवे ने दिया। आज खरोखर एक अतिशय चांगला आणि स्तुत्य उपक्रम या ठिकाणी सुरू करण्यात आलेला आहे नागपूरला। मासूम फाउंडेशन आणि मासूम जी काही NGO आहे आणि HCL फाउंडेशन यांच्या मार्फत नागपूर महानगरपालिकेच्या संयुक्त विद्यमाने आणि पोलिसांच्याही पाठिंबाने या ठिकाणी आपले जे रात्रशाळेचे विद्यार्थी असतात आणि महानगरपालिका शाळांमधले दिवस शाळेचे देखील विद्यार्थी असतात, त्यांच्यासाठी हे टेक ऑन व्हील्स नावाचा हा जो प्रोग्राम या ठिकाणी सुरू करण्यात आलेला आहे, यामध्ये मुख्यतः हा उद्देश आहे की आपल्या विद्यार्थ्यांना कॉम्प्युटरचं नॉलेज देखील मिळावं आणि कॉम्प्युटर रिलेटेड जे काही ग्राफिक डिझायनिंग असतील, वेब डेव्हलपमेंट वगैरे यासारखे जे काही प्रोग्राम्स आहेत, ज्यांची फीस खूप जास्त असते, जर ते करायचे असतील तर आणि ते करण्याबद्दल नॉलेज किंवा जाणीव देखील अशा विद्यार्थ्यांना नसते, त्यांना ते प्रोग्राम्स अगदी मोफत या ठिकाणी उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत। आणि ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने किंवा या इनिशिएटिव्हच्या निमित्ताने नागपूरमधल्या विद्यार्थ्यांसाठी एक खूप चांगली संधी निर्माण झालेली आहे असं मला वाटतं, त्यामुळे नागपूर पोलीस दलातर्फे या सर्व उपक्रमासाठी आमच्या शुभेच्छा आणि पाठिंबा आहे, एवढ्या निमित्ताने मी या ठिकाणी सांगू इच्छितो, धन्यवाद। HCL और मासूम फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से चलाए जा रहे इस उपक्रम के बारे में बोलते हुए HCL फाउंडेशन की डायरेक्टर निधि पुंधीन ने बताया कि इस उपक्रम के जरिए बच्चों को कंप्यूटर बेस्ड शिक्षा निशुल्क दी जाएगी, साथ ही राज्य में नागपुर ही पहली ऐसी जगह है जहां इसे चलाया जाना है। उन्होंने बताया कि यह प्रशिक्षण खत्म करने के बाद छात्रों को सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, जिससे उन्हें नौकरी मिलने में आसानी होगी। इस दरमियान मासूम फाउंडेशन की संचालिका निकिता केतकर ने बताया कि शहर की 200 मनपा स्कूलों से उनका टाई अप रहेगा, जिसमें करीब 1000 छात्र होंगे। इस दौरान बच्चों को कंप्यूटर, ग्राफिक डिजाइनिंग और 3D प्रिंटिंग जैसी चीजें सिखाई जाएंगी। ही है और मैं डायरेक्टर हूँ HCL फाउंडेशन की। HCL टेक्नोलॉजीज का CSR आम है HCL फाउंडेशन। जैसा कि आपको विदित है कि HCL टेक्नोलॉजीज एक विश्व स्तरीय कंपनी है, टेक्नोलॉजीज के क्षेत्र में काम करती है, IT के क्षेत्र में काम करती है। तो उसके तहत नागपुर में हमारी शुरुआत हुई, जो यहाँ पर काफ़ी बड़ा कार्यक्रम चल रहा है हमारा। नागपुर हमारा महाराष्ट्र में फोकस डिस्ट्रिक्ट है और जिसके तहत शिक्षा के क्षेत्र में, और शिक्षा में भी मैं कहूँगी साइंस में, डिजिटल एजुकेशन में, हेल्थ के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में हमारे काफ़ी कार्यक्रम चल रहे हैं नागपुर जिले में। और शहरी गरीबी को मिटाना हमारा एक उद्देश्य है, एक कार्यक्रम है HCL उदय के अंतर्गत, और जिसी के तहत हम लोग जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्कूल्स हैं उनके साथ काफ़ी मिलकर काम कर रहे हैं। ही जी बस लॉन्च झाली आहे इथे, टेक ऑन व्हील्स बस HCL फाउंडेशनच्या सपोर्टनी लॉन्च झालेली आहे। ही डे स्कूल 20 NMC शाळांमधले मोर दॅन 1000 मुलं आहेत, त्यांना त्यांच्यासाठी कम्प्युटर लिटरसी ह्याच्या व्यतिरिक्त काही आमचे कोर्सेस आहेत, जसे वेब डिझायनिंग आहे, ग्राफिक डिझायनिंग आहे, आणि पुढे जाऊन आम्ही आता एक्सपेरिमेंट करतो ऑन 3D प्रिंटिंग। तुम्ही जे बसेस बघितलेत ते ॲक्च्युली आम्ही प्रिंट केलेले आहेत, तर 3D प्रिंटिंग पण इंट्रोड्यूस करायचं, असे कोर्सेस इथे दिले जातील। नाईट स्कूल, 5 नाईट स्कूल्स आहेत मासूमच्या, त्या 5 नाईट स्कूल्समध्ये अराउंड 300 मुलांपर्यंत हा जो प्रकल्प आहे तो पोहोचवला जाईल। बता दें कि टेक ऑन व्हील्स एक ऐसा उपक्रम है जिसके तहत बच्चों को एक बस में कंप्यूटर ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें कुल 14 लैपटॉप होंगे और 22 बच्चों के बैठने की जगह होगी। ये बस जगह जगह घूमकर बच्चों को शिक्षा प्रदान करेगी। वहीं ऐसी एक ही बस फिलहाल नागपुर में है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी, BCN News नागपुर।